जो इग्नू है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ये भारत सरकार के अंतर्गत एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है और इसका मेन उद्देश्य है जिन लोगों को हर दिन कॉलेज जाके पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं इन जैसे लोगों के लिए इग्नू का कोर्सेस चालू हैं। और ये आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, 30 लाख के ऊपर छात्र छात्राएँ हैं और इसमें यह सुविधा है कि आप अपने काम भी करते रहो और पढ़ाई भी करते रहो। और ये बहुत सारी लोगों को मालूम नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि कॉलेज पढ़ना मतलब फुल टाइम एक्टिविटी है, पूरा दिन कॉलेज में जाना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, वो अपने काम भी करते रहे, गृहिणी है अपने घर में घर भी संभाल सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉई लोग हैं वो भी जॉब काम भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास तो गढ़चिरौली जैसे ट्राइबल एरिया से भी बहुत सारी ट्राइबल्स हैं और जैसे जेल में रह के भी कैदी लोग वो भी अपने कोर्सेज कर रहे हैं इग्नू के साथ। और इसमें अलग अलग लेवल का कोर्सेज है, जैसे 2200 के ऊपर प्रोग्राम्स हैं और 6 महीने की सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं और 1 साल की डिप्लोमा है और 3 साल की डिग्री प्रोग्राम्स हैं और 2 साल की पीजी प्रोग्राम्स भी हैं। और इसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और जिसको जिसमें रुचि है और एक ये लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी भी हम देते हैं। जनरली फॉर एग्जांपल कोई एमए साइकोलॉजी करना चाहते हैं रेगुलर कॉलेज में एडमिशन के लिए उनको बीए में साइकोलॉजी करना ज़रूरी हो जाते हैं, इग्नू में ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रेजुएट एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लेके साइकोलॉजी में अपना रुचि को वो आगे ले सकते हैं। तो अलग अलग कोर्सेज हैं, इसमें जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी हैं। जैसे आजकल तो हर एक को आईटी स्किल्स की बहुत ज़रूरी है, इग्नू में एक ऐसा कोर्स है सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और एक अच्छा कोर्स है, एक मैं बताता हूँ सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आईटी स्किल्स दोनों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को डिग्री में 80% के ऊपर मार्क्स मिल जाते हैं बट उनको बोलने में दिक्कत होते हैं। तो एक स्पेशली इंग्लिश में जो रूरल एरिया स्टूडेंट्स हैं उनको तो एक डर रहता है कि मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए ऐसे कोर्सेस हैं। और एक इंग्लिश में भी प्रावीण्यता आगे बढ़ने के लिए सर्टिफिकेट इन फंक्शनल इंग्लिश है। और के बारे में सोचा जाए तो बाकी केंद्रों से इग्नू में क्या है जो फीस है, फीस बाकी केंद्रों हाँ इग्नू में क्या है? इग्नू में तो जैसे फीस तो वैसे ही कम है, जिसमें प्रैक्टिकल है वहाँ ज़्यादा होता है और अदरवाइज इसी में जो फीस आप भरते हैं स्टूडेंट उसी में बुक्स भी मिल जाते हैं, क्लासेस भी उसी में हो जाते हैं, जब बैठना चाहे वो सिर्फ एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ता है उसी के साथ एग्ज़ाम फीस भरना पड़ता है। और एक सुविधा भी है जो 6 महीने का कोर्स है वो 2 साल का टाइम देते हैं हम, 1 साल का कोर्स है वो 3 साल 4 साल तक टाइम देते हैं। तो ये सुविधा भी हम देते हैं क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट को एक हिम्मत नहीं होते हैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने में, इसलिए स्टूडेंट्स अपने हिसाब से, हम बोलते हैं इसको स्टूडेंट लर्नर सेंट्रिक एडुकेशन, छात्र केंद्रित अध्ययन है, जो जिसको इस बार एक दो एग्ज़ाम में लिख ले अगली बार 2 एग्ज़ाम लिख ले फिर भी हम उनको सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंटल पास नहीं बोलते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। पत्रकारिता से जुड़े एक मास कॉम का भी कोर्स नए दिनों शुरू किया है, क्या उसमें है प्रावधान और कैसे क्या? ये एक एमए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हमने चालू किया है, जिसको भी जर्नलिज्म में काम कर रहे या लेने के लिए इंटरेस्ट है ये लोगों के लिए। इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी प्रैक्टिकल्स भी कंडक्ट कराते हैं, आर्टिकल राइटिंग फीचर राइटिंग वगैरह सभी आइटम्स भी वो प्रैक्टिकल्स भी होते हैं थीरी भी होते हैं। और ये 2 साल का एमए कोर्स है, इसके लिए फीस रहेगा हर साल के लिए 12,500।